महादीक्षार्थादीक्षापदेशस्य परं युगे युगे च कर्तव्ये उपदेशे कलियुगे। आज मैंने अपने सभी शिष्यों को इसलिए एकत्र किया और सभी को आमंत्रण दिया कि तंत्र से और वारण प्रयोगों से किस प्रकार से रक्षा की जा सकती है और किस प्रकार से उन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है जो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। और एक ऐसा प्रयोग जो मारण प्रयोग है जो बहुत से कार्यों में हमारे लिए बाधा उत्पन्न करता है और चाह करके भी जिन कार्यों में सफलता प्राप्ति नहीं हो सकती या नहीं हो रही है उन सब के लिए आज मैं दीक्षा देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और उस तंत्र से, उस मारण प्रयोग से या उस तांत्रिक प्रयोगों से रक्षात्मक कवच किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और किस प्रकार से रक्षा प्राप्ति हो सकती है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी मारण प्रयोग कार्य ना करे, ऐसा मैं एक यंत्र और एक ऐसी दीक्षा आप सभी को आ दूंगा। सर्वप्रथम दो या तीन बातें मुझे इसके विषय में बतानी है कि किस प्रकार से कार्य में रुकावटें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जो लोग मेरे पास आते हैं उनके कि गुरुजी मेरा यह कार्य संपन्न नहीं हुआ है या फिर यह कार्य संपन्न नहीं हुआ है, मैं उनकी कुंडली का उठा करके देखता हूँ, उनकी जन्म पत्री को उठा करके देखता हूँ तो उसमें पाता हूँ कि उनका जब भाग्य देखता हूँ तो यह उनके भाग्य में है, पूरी तरह से उनके भाग्य में है, लेकिन उनको फिर भी उस चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई। वो जो प्राप्ति नहीं हुई उसके पीछे जो कारण रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का कोई तांत्रिक प्रयोग है जो उनको सफलता प्रदान नहीं करने देता और ग्रहों से आने वाली अनुभूति या ग्रहों से आने वाली जो उपलब्धियाँ हैं, जो ग्रहों से आने वाली जो एक सकारात्मक शक्ति है वो उन तक नहीं पहुँचती। क्योंकि कोई भी तंत्र हो या कोई भी तांत्रिक प्रयोग हो या कोई भी ऐसा प्रयोग जो नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता हो, वह किसी विशेष व्यक्ति के चारों ओर एक नकारात्मक आवरण उपयुक्त कर लेता है जिसके कारण ग्रहों की कोई भी युति या ये कह सकते हैं कि कोई भी ग्रहों का सकारात्मक ऊर्जा उन तक पहुँचेगी नहीं, कारणवश उनको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती जिसको वो पाने का निरंतर प्रयास करते हैं। इधर उधर ज्योतिषियों के पास जाएंगे, ज्योतिषियों से मिलेंगे, ज्योतिषियों को दिखाएंगे कि देखिए पंडित जी या ज्योतिषी जी, मैंने आचार्य जी, मेरी कुंडली में ये योग भी है और मैं समस्त पंडितों से इसके विषय में मिला हूँ, उन्होंने मुझे, बड़े विद्वान पंडितों ने मुझे इस विषय में यही बताया है कि तुम्हारे भाग्य में ये चीज़ है, तुम्हें मिलेगी, लेकिन समय भी चल रहा है, ये चीज़ तुम्हें मिलनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर उस चीज़ की प्राप्ति तुम्हें नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का कोई तांत्रिक प्रयोग तुम्हारे ऊपर है जिसके कारण वो तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर दो बातें हैं, ज्योतिषी सिर्फ आपके भविष्य को पढ़ करके बता सकता है, आपके भूतकाल को देख सकता है, लेकिन समस्या को निदान करने का ग्रहों के अनुसार वह अपना उपाय या समाधान आपको प्राप्त कराएगा या आपको देगा। उसको करने के बाद भी अगर आपको पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाई तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की तांत्रिक समस्या आपसे जुड़ी है। इसीलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ और सभी को इस तांत्रिक प्रयोग से या फिर इन सब से कैसे बचा जाए इस सब की मैं दीक्षा आज आपको प्राप्त करूँगा। तंत्रोक्त मारण प्रयोग कार्य में रुकावट पैदा करने के लिए लोग करते हैं, जैसे कोई किसी से हीन भावना रखता हो, कोई किसी से ईर्ष्या रखता हो तो किसी भी नकारात्मक तंत्र का प्रयोग करके उसके कार्य में रुकावट उत्पन्न कर दी जाती है। मारण प्रयोग किसी से कोई घनिष्ठ शत्रुता, कोई किसी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा हो, उसके ना चाहने वाले बहुत ज़्यादा हों तो कारणवश लोग इस प्रकार के प्रयोग करके उसके जीवन में एक बाधा उत्पन्न करते हैं और पूर्णतः उसके शरीर को श्रापित कर देते हैं ताकि उस पर उसी भी ग्रह का कोई भी सकारात्मक ऊर्जा पहुंच ही ना पाए। वो जो यंत्र मैं आप आज बना करके आप सभी को दूंगा वह इतना आसान नहीं है और ना ही उसको इतनी जल्दी धारण किया जा सकता है, उसके लिए
पूजन पाठ अनुष्ठान करके उसको शुद्ध किया जा सकता है, और जो व्यक्ति उसको धारण कर ले उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी तांत्रिक प्रयोग कार्य करेगा ही नहीं। व्यक्ति की अपनी अपनी अनुभूतियां हैं, अपने अपने संघर्ष हैं, अपने अपने कर्तव्य हैं और अपने अपने कार्य भी हैं। किसी को किसी कार्य में सफलता चाहिए, किसी को किसी कार्य में सफलता चाहिए, लेकिन अगर किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य में अगर सफलता प्राप्त नहीं हुई है या नहीं हो पा रही है, भाग्य को देखते हुए कि आप अपने जन्म पत्रिका में कुंडली में अगर ये सारी चीज़ देखते हैं और पाते हैं कि मेरे भाग्य में तो ये चीज़ है पर गुरु जी मुझे अभी तक तो प्राप्त नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तांत्रिक उपयोग का शिकार हुए हैं। तांत्रिक उपयोग में, मरण उपयोगों में लोग मेरे ऊपर भी तांत्रिक उपयोग करते हैं, काल उपयोग करते हैं, लेकिन वह सब निष्फल है, वह सब विफल है। मेरे पर कोई भी किसी प्रकार का कोई तांत्रिक प्रयोग कार्य करता ही नहीं। ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो ज्योतिषी सिर्फ उस ग्रहों की स्थितियों को पढ़ करके आपको बता सकता है कि इसमें ये चीज़ ऐसे हुई है, इसमें ये चीज़ ऐसे हुई है, या आपको ये प्राप्ति होगी या आपको इस समय में प्राप्त होनी चाहिए। वह एक रीडर की भांति कार्य करता है जो सिर्फ पढ़ सकता है और बता सकता है, इसके अलावा अगर कोई समस्या ज़्यादा है तो वो आपको समाधान दे ही नहीं सकता, क्योंकि तंत्र अपने आप से ज्योतिषी से बहुत ज़्यादा अलग तो नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि तंत्र ज्योतिषी से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलग है। कुंडली में अगर मान लीजिए किसी की कोई समस्या है जिसका समाधान ग्रहों से नहीं हो पा रहा है या फिर उस प्रकार का कोई शोध नहीं हुआ जिससे कि उसका समाधान हो पाए, तो ज्योतिषियों के सामने दो प्रकार के संघर्ष उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले समस्या को ढूंढने की, किस प्रकार की जातक को समस्या उत्पन्न हुई है जिसके कारण उसको यह कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, प्रथम कार्य कि कुंडली के माध्यम से समस्या ढूंढना, दूसरा कार्य उसका समाधान ढूंढना। जब कहीं ये सारे प्रयोग करने के बाद आदमी को सफलता प्राप्त हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि ऐसा हो या ना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन तंत्र में ना किसी कुंडली की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी चीज़ की कोई आवश्यकता पड़ती है। जिस कार्य में रुकावट हो या जिस कार्य के प्रति समस्या आई हो, वह उसको अगर लगा दे, उस प्रयोग को करे, तो तंत्रोक्त कार्य या तांत्रिक विधि अब स्वतः ही कुंडली हो या कोई भी समस्या हो, वह उसको खुद ही ढूंढेगा और उसका समाधान कर कार्य को संपूर्ण करेगा। इसलिए ज्योतिषी और तंत्रोक्त कार्य या तांत्रिक कार्य अपने आप में अलग हैं, दोनों ही काफ़ी दूरी पर हैं, लेकिन जुड़े दोनों हुए जरूर हैं, क्योंकि तंत्र भी बिना ग्रहों की गति के कार्य कर ही नहीं सकता, और बिना ग्रहों के पूजन के और नवग्रह पूजन के या फिर नवग्रहों के अनुष्ठान के तंत्र कार्य नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात मारण प्रयोग की, मारण प्रयोग व्यक्ति ईर्ष्या भावित होकर के किसी उच्च स्तरीय व्यक्ति, मंत्री, राज्य नेता, अभिनेता वगैरह से ईर्ष्या रख करके जो तांत्रिक प्रयोग करते हैं या मारण प्रयोग लगाते हैं, तो उनकी वजह से व्यक्ति को कई सारी बीमारियों को झेलना पड़ता है, उसके साथ ही कष्ट झेलना पड़ता है, उसको अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने करियर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिसको वह बाधा के रूप में देखता है, और वह जिस भी कार्य में हाथ डालेगा वह कार्य संपूर्ण होगा ही नहीं। कुंडली उठाया जाता है, ज्योतिषों के पास जाते रहेंगे, ये बताते रहेंगे, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये वाला रत्न पहन लीजिए, ये उपाय कर लीजिए, वो उपाय कर लीजिए, लेकिन जो शरीर के चारों ओर जो नकारात्मक आवरण बना हुआ है, जब तक वह पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा अब तक पहुंचेगी नहीं और कोई भी कार्य संपूर्ण होगा ही नहीं। तो आज इसी प्रयोग में और इस तांत्रिक प्रयोग से रक्षा करने के लिए, इस मारण प्रयोग से रक्षा करने के लिए जो मैं आज आप सभी को दीक्षा दूंगा, वह इसमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी और हमेशा के लिए आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और जो भाग्य में लिखा है, जो जन्म पत्री में आप लेकर के आए हैं, जो अपनी कुंडली में लेकर के आए हैं, उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा ही होगा। तांत्रिक प्रयोगों से और मरण प्रयोगों से रक्षा करने के लिए अनेकों प्रकार के यंत्र मैं बताऊंगा, उनको धारण कर और उनका पूजन करके आप अपने देह को सुरक्षित कर सकते हैं और तंत्र से अपने आप को रक्षित कर सकते हैं।
प्रातःकृत्यादि प्रणयनाथ विधाय पीठनाशं कुर्यात् धार धर्मे निक्षिप्त देहे विनस्य ऋषिन्यासं कुर्यात् श्री श्री विधान ऋषिय नमः मुखे गायत्री छंदे से नमः हृदय बटुल भैरवाय देवताय नमः। आज जो मेरा प्रथम प्रयोग है, जो प्रथम दीक्षा मैं आप सभी को दे रहा हूँ, वो एक बटुक भैरव मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, जो तांत्रिक प्रयोगों से और मारण प्रयोगों से आपको रक्षा देगा। यह एक 21 अक्षरों का मंत्र है। ह्रीम वटुकाय आपोदृढ़णाय कुरु कुरु वटुकाय ह्रीम। सामान्य पूजा पद्धति से प्रातःकाल से प्राणायाम तक क्रिया को करने के बाद ओम धर्माय नमः इत्यादि से पीठन्यास करने के बाद न्यास करें और निम्न मंत्र का दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में त्रिमुखों में आह्वान करते हुए इस मंत्र का जाप करें तो समस्त तांत्रिक प्रयोगों से और मारण प्रयोगों से आपको रक्षा प्राप्त होगी। ह्रीम वटुकाय आपोदृढ़णाय कुरु कुरु वटुकाय ह्रीम। इसका मंत्र का ऋषिन्यास इस प्रकार करेंगे। श्री श्री बृहदारण्य ऋषे नमः मुख गायत्री छंदे से नमः हृदय वटुक भैरवाय देवताय नमः मूर्तिन्यास ओम ओम ईशनाय नमः गोष्ठाभ्याम हेम रेम वेम तत्पुरुषाय नमः त्रिजिन्व्य रूम वूम अघुराय नमः मध्यमय ह्रीम वीम वामदेवाय नमः आनामिकाय नमः हरम वम सगोजाताय नमः कनिष्ठव्य अंगूठे से मस्तक में रोम वोम ईशनाय नमः अनामिका से मुख में रेम वे तत्पुरुषाय नमः मध्यमा से हृदय में रोम वोम अघोराय नमः तर्जनी से गुह्य में ह्रीम वीम वामदेवाय नमः कनिष्ठाय में से पैरों में हरम व सकुजाताय नमः। इसी क्रम से उद्रव पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर मुखों से भी उक्त मंत्र से न्यास करें। निम्बंध ग्रंथ के अनुसार भी इसी प्रकार से करण इसका प्रकार किया गया है। करण्यास इस प्रकार करेंगे। ओम ह्राम वाम अंगुष्टाभ्याम नमः ओम ह्रीम वीम त्रिजनाभ्याम स्वाहा ओम ह्रूं ह्रूं मध्यम वशट ओम ह्रूं ह्रूं अनामिकाभ्याम हूँ ओम ह्रूं ह्रूं कनिष्ठाभ्याम वशट ओम ह्राम अम अस्त्रव्य फट। अगन्यास इसका इस प्रकार करेंगे। ओम ह्राम वाम हृदयाय नमः ओम ह्रीं ह्रीं शिरसे स्वाहा ओम ह्रूं ह्रूं शिखाय वशट ओम ह्रूं ह्रूं गवचाय नमः ओम ह्रूं ह्रूं नेत्रत्राय वोषट ओम ह्राम ह्राम अस्त्राय फट। इसके बाद बटुक भैरव का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र को सभी लोग धारण करें। वंदे वारम स्फुटी सदशरम कुंडोरस्त्राविस्त्रव्यम द्रवाकल्पेन वारिण्य किरणेरणि प्रगृहे दीप्ताकारम विशद वंदनम सुप्रसन्ननम नेत्रदरम हस्तावाजनम हस्तावाजनम वटुकवासिनम शूलदंडोदधानम। अर्थात बाल रूप स्फटिक जैसे उज्ज्वल वर्ण एवं कुंडों से सुशोभित कान है, कमर में मणि जटित करधनी है, पैरों में मणिजटित नुपुर है, वस्त्र निर्मल है और प्रसन्न चित्र नेत्र है, एक हाथ में शूल और दूसरे हाथ में दंड युक्त वटुक भैरव का मैं ध्यान करता हूँ। अभी ध्यान करते हुए बटुक भैरव यंत्र को सभी लोग धारण करें। जो अष्ट कमलों से सुशोभित एक यंत्र है जिसमें बीज अष्ट कमलों में विराजमान है और इस यंत्र को दीक्षा प्राप्त कर अगर आप धारण करते हैं तो आप पर किसी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग कार्य करेंगे नहीं। देह की कांति नीले पर्वत के समान है, मस्तक पर अर्धचंद्र है, गले में मुंड माला है, वन वस्त्र नग्न है, आंखों का वर्ण पिंगल है, आठों हाथ में अष्टदलों में रोहात में से प्रत्येक में डमरू अंकुश खडग शूल अभय मुद्रा सर्प घंटा और नरकपाल है, दंत पंक्ति भयानक है, तीन नेत्र हैं, मणि जटित करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से अलंकृत ऐसे बटुक भैरव को मैं ध्यान करता हूँ। तीनों ध्यानों में फल पृथक पृथक हैं। सात्विक ध्यान और अपरश मृत्यु आयु वृद्धि आयोग्य और मोक्ष प्राप्ति हो। राजसिक ध्यान से धर्म की वृद्धि कामनाओं की पूर्ति एवं धन की प्राप्ति होती है। तामसिक ध्यान से शत्रु कृत्या भूता विशेष रोग दूर होते हैं। कामना के अनुसार किसी एक ध्यान को करके मनोमानुष उपचार पूजन करके अर्घ स्थापन करें। बटुक भैरव का पूजन प्रयोग त्रिकोण इसके बाहर षटकोण इसके बाहर अष्टदल पद दल मातृकोण से युक्त एवं चतुरार्थ त्रिपुर से बनता है। वह यंत्र मैं आपको दीक्षा के लिए प्रदान करता हूँ।
अब हाथ में जल लेकर के ओम केशवाय नमः, ओम क्षेत्रपालाय नमः, ओम अंगुष्ठाभ्याम देवताय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम शंभुजाताय नमः से जल को छोड़ दें और यंत्र को सभी लोग धारण कर लें।